अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपर बनाना सिखाऊंगा। ये हमने ऊपर ऊपर बॉडी दी है, ठीक है, नीचे से हमने इसका अलग घेर दिया है, और ये ऊपर हमने लूप्स बटन दे दिए, और ये कॉलर लगाया हमने, और नीचे हमने बॉर्डर लगाया है, और ये ओपन में हमने इसे पाइपिंग लगाई है। चले आए देखते हैं किस तरह तैयार किया है। सबसे पहले फ्रंट बिछा लेंगे। ये हमारा फ्रंट है, इसके ऊपर हम बैग बिछा लेंगे। बैग को हम यहां से आधा इंच आगे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फ्रंट ओपन करेंगे। इसे सेट कर लेंगे, हम इस पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 25 इंच पे से निशान लगाएंगे, ठीक है, और इसे हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम इसे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये बैक से लगाएंगे, ठीक है, ये फ्रंट से नहीं लगाएंगे। नीचे वाला हमारा फ्रंट है, ऊपर वाला बैक है। बैक से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान से हम नीचे यहाँ पे नोक से मिला लेंगे, हम सीधा कर लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग करेंगे। यहां से दबाव रख के हम छोड़ें काट लेंगे। यहाँ नीचे से हम इसे थोड़ा सा ये नोक खत्म कर लेंगे, ठीक है, नोक काट देंगे। अब हम इसे बैक को हटा लेंगे, फ्रंट को यहां से बीच में से काट लेंगे। अब हम इसकी बॉडी काट लेंगे। ये हमारी फ्रंट की बॉडी है, ठीक है। वैसे तो ये कपड़ा हमारा इस तरह आया है, यहां से हमने नीचे वाला हिस्सा काटा है, ठीक है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। हम इसे इस तरह लेके आएंगे यहां पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, और इसके ऊपर बैक सेट कर लेंगे हम बैक की बॉडी। यहां से हम आधा इंच का गैप दे देंगे। अब हम इस पे निशान लगा लेंगे, यहां से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे, यहां से हम इसे थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। आर्मोल का निशान हम 7.5 इंच पे लगा लेंगे, वेस्ट का निशान 16 इंच पे, ये निशान हम सीधे कर लेंगे। ये मीडियम साइज बना रहे हैं। इसके शोल्डर का निशान हम यहां से बैक से नापेंगे, 7.5 इंच पे रख लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। चेस्ट का 9.5 इंच पे, वेस्ट का 9 इंच पे, ये निशान हम सीधे कर लेंगे। यहां से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ शेप दे देंगे, डाउन कर लेंगे, यहां से हम इसे शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
दोनों को एक साथ काटेंगे यार। यहाँ से हम दोनों को बैक के हिसाब से काटेंगे, ठीक है? ये हमारी बैक है तो हमने ऐसे निशान लगा इसका फ्रंट का, तो हम फ्रंट को इस तरह काटेंगे। यहाँ से हम दोनों को बैक के हिसाब से काटेंगे। यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया इसे 1 इंच बढ़ता हुआ हम इसे काट लेंगे। 1 इंच बढ़ती हुई बॉडी हम रखेंगे इसे कमर पे। ये देखें हमारी कमर जो है ये अपनी जगह पे ही आ रही है, लेकिन हमें बॉडी थोड़ी सी बड़ी रखनी थी इसलिए हमने यहाँ से 1 इंच बढ़ता हुआ काटा है, ठीक है? हम इसका फ्रंट काट लेंगे, बैक को हटा लेंगे यहाँ से, इस फ्रंट को हम काट लेंगे। जो शेप हमने बैक पे दिया था उसी तरह से हम फ्रंट को काट लेंगे। हमने कटिंग कर ली, ठीक है? अब हम इसे सिलाई कर लेंगे। इसे हम खोल लेंगे फ्रंट को और इसके ऊपर बैक सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली यहाँ पे और इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है? और इसकी साइडों में भी सिलाई लगा लेंगे। इसे हम इस तरह खोल लेंगे, बैक को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे और इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी। अब हम बॉडी को इसके साथ जोड़ लेंगे, इसे इस तरह खोल लेंगे। यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, इस सिलाई से हम सिलाई मिला लेंगे इस तरह, ठीक है? यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई से सिलाई मिला लेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे और इसका जो दबाव था यहाँ पे मैंने इसे मोड़ दिया, ठीक है? इसे सीधा नहीं रखना दबाव को, इसे ही मोड़ना है इसे, वरना यहाँ पे झोल आ जाएगा। इसे यहाँ पे भी इसी तरह मैंने मोड़ दिया, ठीक है? ये पूरी सिलाई लगा दी मैंने, अब इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसके घेर में बॉर्डर लगा लेंगे, इसे इस तरह उल्टा रख लेंगे, ठीक है? ये घेर है हमारा, तो यहां से हम इसे मोड़ लेंगे, तो यहां पे इस तरह रख के यहां पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में। जब मैंने सिलाई लगा ली यहां पे पूरे घेर में, हम इसे सीधा कर लेंगे, यहाँ से हम इसे बराबर कर लेंगे, यहाँ से हम इसे मोड़ लेंगे, यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे पूरे घेर में, ठीक है? तो हम इसे डबल कर लेंगे इस तरह। तो हम इस पे निशान लगा लेंगे, ये आधा इंच हमारा दबाव है, ठीक है? यहां से हम इस निशान से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे और यहां से 3.5 इंच पे।
सेम शेप दे देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस पर लिप्स लगाएंगे तो उसके निशान लगा लेंगे। ये यहाँ से तकरीबन 1 इंच मैंने छोड़ दिया, ठीक है, पहला निशान मैंने लगाया। उसके बाद 1 इंच के हिसाब से हम सारे निशान लगा लेंगे। और ये हमने लूज डोरी पलटी हुई है, इसे हम काट लेंगे। ठीक है, इसे हम इस तरह लगा लेंगे, यहाँ पे हम इस तरह निशान पे रख लेंगे। ठीक है, और इसी तरह दूसरा। इसी तरह हम हर निशान पे लूप्स लगा लेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने लूप्स लगा लिए इस पे, ठीक है, इसे हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई है और ये हमारी डोरी है, इसे हम इस तरह फंसा लेंगे। यहाँ पे रख के हम इसे सिलाई लगा लेंगे पूरी नीचे तक। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम पाइपिंग लगा लेंगे। ये मैंने पाइपिंग लगा दी यहाँ पे, दूसरी साइड पे भी मैंने पाइपिंग लगा दी। ये मैंने 1 इंच कपड़ा आगे बढ़ता हुआ रखा है, ठीक है, इसे हम यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ से भी मोड़ लेंगे। इस तरह मोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली और दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। मैंने शोल्डर जोड़ लिया। अब हम इसकी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे बैक की। और यहां से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसे नाप लेंगे कि कितने इंच का कॉलर हमारे इस पे लगेगा। साढ़े 16 इंच का कॉलर आ रहा है हमारा, ठीक है, 16.5 इंच का कॉलर हम काट लेंगे। ये बुकरम हमने डबल की हुई है यहाँ से, यहाँ से हम इसे निशान लगा लेंगे। इसे यहाँ से इस तरह नाप लेंगे, 8.25 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कॉलर की कटिंग हो गई। अब कॉलर को हम कपड़े पे चिपका लेंगे। ये मैंने चिपका लिया कॉलर, इसके नीचे हम दूसरा कपड़ा लगा लेंगे।
यहाँ पे हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे हम। इसे सीधा कर लेंगे। अब इसे हम प्रेस कर लेंगे। मैंने प्रेस कर लिया, अब इसका हम सेंटर कर लेंगे। इस बैक का भी सेंटर कर लेंगे हम। अब हम कॉलर लगा लेंगे इसके साथ। यहां से मिला लेंगे हम। यहां ये कट से कट मिलना चाहिए हमारा, वरना कॉलर टेढ़ा हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे हम इसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे तुरपाई कर लेंगे अंदर वाली साइड पे। ठीक है, ये दबाव अंदर करके तुरपाई कर लेंगे हम ये सारी। कॉलर लगा के मैंने अंदर की साइड तुरपाई कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बटन लगा लेंगे। ये जहाँ हमारा डिप्स लगा हुआ, इस जगह हम निशान लगा के यहाँ बटन लगा लेंगे इस तरह। इसी तरह हम ये सारे बटन टाक लेंगे। मैंने बटन टाक लिए सारे, तो हम इसे लुप्स में लगा लेंगे। सारे बटन हम इसी तरह लगा लेंगे। सारे लुप्स बंद कर लिए हमने। ठीक है, ये हमारा ऊपर तैयार हो गया। इसके नीचे हम अलग इनर बनाएंगे। ठीक है, सादा। अगर आप इनर नहीं बनाने चाहते तो आप इसे यहाँ से 30 इंच तक बंद कर दें। ठीक है, और इतना थोड़ा सा खुला रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने इसे खुला रहने दिया है क्योंकि इसके नीचे हम इनर बनाएंगे। और ये स्लीव्स है, इसमें भी हमने आगे पाइपें लगा दी, और ये स्लीव्स लगा दी हमने इसके साथ।